हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वेदांश वल्लभ। आज हम समझेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में। दिस इज इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी। क्या है न्यूमरोलॉजी? एक सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताना चाहता हूं, हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। न्यूमरोलॉजी क्या है कि न्यूमरोलॉजी में हम सिर्फ एक न्यूमरो चार्ट बनाते हैं जिससे हम नंबर्स के बेसिस पे प्रिडिक्शन करते हैं। कौन से नंबर? वो नंबर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ हम लेते हैं, इसमें टाइम की नीड नहीं पड़ती और ना प्लेस की नीड नहीं पड़ती। हम ले टाइम और प्लेस इसमें यूज नहीं करते, हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ यूज करते हैं। मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी एक ऐसा सिस्टम है। देखो, ज्योतिष शास्त्र में काफ़ी सारे सिस्टम है, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु और भी काफ़ी बहुत सारे, जैमिनी दशा, जैमिनी सिस्टम, चर दशा, योगिनी दशा एटसेट्रा, वेरियस बहुत सारे सिस्टम है। तो हर सिस्टम में हम एक आइडिया ले सकते हैं। काफ़ी सिस्टम बहुत एक्यूरेट है, कुछ सिस्टम एक आइडिया के बेसिस पर काम करते हैं। न्यूमरोलॉजी एक तरीके से हम एक आइडिया ले सकते हैं कौन सा इवेंट कब होने वाला है, ठीक है। क्योंकि एक आप ये भी समझते हैं कि देखो, डेट ऑफ बर्थ, एक दिन में तो हजारों बच्चे पैदा हो गए, तो क्या सबों का एक ही प्रेडिक्शन होगा? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में तो हम टाइम भी लेते हैं और प्लेस भी लेते हैं, तो ज़्यादा एक्यूरेसी आने की चांसेस ज़्यादा हैं, है ना। तो हम अब देखो यहाँ पर क्या है कि यू नो वेरी वेल कि 9 प्लैनेट्स होते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या है कि 1 से लेकर 9 तक नंबर्स होते हैं। जिसमें कुछ नंबर किसी की चार्ट में होते हैं, कुछ नंबर किसी की चार्ट में नहीं होते। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं आज कि जैसे कि मैं एक चार्ट बनाता हूं। देखो एक और मैं आपको पहले मैं चार्ट बनाता हूं। इस तरीके से ये इसका चार्ट बनता है, है ना। मान लो मैंने आज की तारीख, आज क्या तारीख है, 21 दिसंबर 2021, है ना। क्या डेट बनी है आज की भी, देखो, है ना, 2-1 के अलावा कुछ है नहीं। फिर भी हम देखो, ये एक डेट ऑफ बर्थ है। अब देखो, जिस दिन ये जातक पैदा होगा या आज जो जातक पैदा होंगे उनके अंदर 2 और 1 का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है। ऐसे ही हर दिन ये उस दिन डिसाइड हो जाता है जिस दिन हम पैदा हुए, उस दिन कौन से डेट ऑफ बर्थ, कौन से प्लैनेट्स की इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है। मैं आपको इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में आज ये भी बता देता हूँ कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये नंबर हैं। 1 नंबर रूल करता है सन, 2 नंबर रूल करता है मून, जुपिटर, राहु, मरकरी, वीनस, केतु, सैटर्न और मार्स। इसको हिंदी में कहते हैं सूर्य, चंद्र, गुरु, बुध, शुक्र, शनि और मंगल। ये ग्रह के नाम दिए गए हैं। तो हम, हो सकता है देखो आपकी में कोई प्लेनेट का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो, किसी हो सकता है आपकी में कुछ प्लेनेट की इन्फ्लुएंस कम हो। यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ बनाते हैं, यहाँ पर हम चार्ट बनाते हैं इसके बेसिस पे। ये आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं बेसिक नंबर,
फिर हम निकालते हैं डेस्टिनी नंबर। जिसको हम इसको हिंदी में कहते हैं मूलांक और इसको कहते हैं भाग्यांक। है ना, मूलांक और भाग्यांक के बेसिस पर पूरा चार्ट बनता है। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है भाग्यांक की, मतलब फर्स्ट नंबर पे भाग्यांक, सेकंड नंबर पर मूलांक, फिर बाकी थर्ड नंबर पे बाकी अदर नंबर्स। ठीक है, अब देखो जैसे ये चार्ट बना है, आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि न्यूमरोलॉजी में काफी सारे चार्ट होते हैं, बहुत सारे चार्ट होते हैं, जैसे सेफ्रियल होता है, चेल्डियन होता है, हम जो फॉलो करेंगे वो सेफ्रियल यूज करेंगे। ठीक है, सेफ्रियल का जो फॉर्मेट है वो ये है 319675284, ये इसका सेफ्रियल का चार्ट है। एक बार मैं आज आपको इस डेट ऑफ बर्थ को इसमें पोस्टिंग करना बता देता हूँ, हम यहाँ पर पोस्टिंग कर देते हैं, यहाँ थोड़ा जगह है, तो देखो इस तरीके सेम इस तरीके से हम पोस्ट करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैंने एक चार्ट यहाँ पर बनाया, अब आप देखें टू नंबर कहाँ पर आएगा, टू नंबर इस वाले बॉक्स में आएगा, तो यहाँ पर मैं टू लिख दूंगा। फिर आप देखो वन नंबर कहाँ आएगा, वन इस वाले बॉक्स में आएगा, मैंने वन लिख दिया। फिर देखो फिर वन आया, फिर मैंने वन लिखा, फिर टू आया, फिर मैंने टू लिखा। अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये सेंचुरी नंबर होता है, सेंचुरी नंबर, इस सेंचुरी नंबर को हम कहीं भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब ये नहीं लिखेंगे, अब टू और वन, फिर टू हमने यहाँ लिखा, वन यहाँ लिखा। ठीक है, अब देखो मूलांक, मैं आपको एक ये मैं अभी आपको बता देता हूँ, वैसे मैं इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा, फिर भी मूलांक बनता है ये जो हमारा डेट है इसके सम से, मतलब टू और वन, टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, थ्री आपका मूलांक हो गया, तो थ्री नंबर यहाँ आएगा, तो थ्री नंबर हमने यहाँ लिख दिया। ऐसे ही डेस्टिनी भाग्यांक निकलता है पूरे नंबर को प्लस करके, इसमें हम सेंचुरी भी जोड़ते हैं, जैसे कि टू प्लस वन प्लस वन प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस वन, कितना बनेगा? देखो वैसे मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ, दो और एक तीन, चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह बनता है, ग्यारह को भी हम सिंगल पे लेके आएंगे तो टू बनेगा, तो टू इसका भाग्यांक हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका चार्ट बनाया, तो ये इसका चार्ट बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं, ऊपर ऊपर से ये कह सकते हैं कि इसके डेट ऑफ बर्थ में तीन नंबर किसका है, जुपिटर का, गुरु का इन्फ्लुएंस होगा, वन नंबर है सन का इन्फ्लुएंस होगा, और टू नंबर है मून का इन्फ्लुएंस होगा। मतलब ये जो जातक है इन तीन ग्रहों के इन्फ्लुएंस में 100% होगा। अब क्या होगा इसको हम आगे आने वाले वीडियोस में हम इसको समझेंगे पूरा एक एक हम एक, अब देखो ये भी मैं बता देता हूँ कि हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर हर नंबर का एक करैक्टर है, हर नंबर के करैक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे जिससे हमारा नेचर निकलेगा। देखो नेचर तो एक तरीके से इवेंट है ना, यहाँ पर हम हर इवेंट पर भी बात करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको आगे चलते हैं कि हम यहाँ पर क्वालिटी ऑफ नंबर समझेंगे, हर नंबर की क्वालिटी होती है, हर नंबर की वैरायटी होती है ना, हर पूरा अच्छे से एक एक नंबर का हम बिल्कुल बारीक से देखेंगे कि हर नंबर की क्या क्वालिटी है, वो आपके लिए मैलिफिक रूल है या मैं हिंदी में लिखता हूँ शुभ है आपके लिए या अशुभ है। क्लियर, शुभ देखेंगे और अशुभ देखेंगे उस नंबर का। फिर हम कुछ कॉम्बिनेशंस भी देखेंगे, जैसे योग, आप देखते होंगे एस्ट्रोलॉजी में कुछ राजयोग हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में ये सबसे अच्छा मैं एक राजयोग बता देता हूँ, सबसे अच्छा एक कुंडली में राजयोग हम देखते हैं कि अगर चंद्रमा और शुक्र एक साथ बैठे हों
तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोलॉजी में। ऐसे ही न्यूमरोलॉजी में हम योग देखेंगे, जैसे कि चंद्रमा का कौन सा नंबर हो गया, आप देखें चंद्रमा हो गया 2 और वीनस हो गया 6, तो इसका मतलब ये हो गया 2 और 6, ये कॉम्बिनेशन है। अगर किसी के में 2 और 6 होगा तो वो बिल्कुल बहुत अच्छे राजयोग में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बहुत सारे योग पढ़ेंगे, बहुत बिल्कुल सटीक होते हैं योग पढ़ेंगे। फिफ्थ हम पढ़ेंगे इवेंट। हर इवेंट मतलब जैसे कि हम यहाँ पर एस्ट न्यूमरोलॉजी से हम बिल्कुल प्रेडिक्ट कर सकते हैं आदमी का नेचर, मैरिज प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पे करियर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्या करियर होगा, क्या उसका इंटरेस्ट होगा जिसके बेसिस पे उसको करियर बनाना चाहिए, है ना, अप डाउन, है ना, अप डाउन इन करियर, करियर में ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये भी हम सीखेंगे, इसमें कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। और मनी, बिल्कुल देखो मैं इसको बता देता हूँ, मनी बिल्कुल एक्यूरेट और अप डाउन इन करियर बिल्कुल एक्यूरेट पता चलता है ना। यहाँ पर और भी इवेंट्स जैसे लिटिगेशन, हेल्थ बिल्कुल एक्यूरेट पता चलता है, एक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी और व्हीकल, प्रॉपर्टी व्हीकल के बारे में भी हम बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी में हम इतना सब कुछ हम न्यूमरोलॉजी से सीखेंगे। वैसे मैं एक एक चीज को आपको करना सिखाऊंगा, बहुत बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। हम इसको एक तरीके से इसको आप कोर्स मान लीजिए, बिल्कुल आपके लिए एकदम फ्री है, आप फ्री ये सब तो आप तो अपने मन में रखो ही मत, क्योंकि आपके लिए एक मैं चाहता हूं कि हाईली वैल्यू एडिट आपके लिए मैं वीडियो लाऊं। और न्यूमरोलॉजी इतना इजी और सटीक चीज है, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज भी नहीं है तो भी आप न्यूमरोलॉजी सीख सकते हैं, बहुत इजी है, इससे ज़्यादा इजी कोई नहीं है और बहुत एक्यूरेट है। और मुझे सही में अभी तक न्यूमरोलॉजी का बहुत अच्छी तरीके से अनुमान है, और इसका जो सिस्टम है मुझे बहुत इजी लगता है ना। कई बार मैं भी कुंडली देखता हूँ तो एक झलक न्यूमरो चार्ट पे भी लगा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से एक हमें बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है, बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है इससे। तो न्यूमरोलॉजी मुझे बहुत एक्यूरेट लगता है, और मैंने देखो मैं कोई भी चीज़ बिना टेस्ट के बिना एक्सपेरिमेंट के नहीं बताता और नहीं देखता, तो मैंने इसको पूरा अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने काफ़ी कुंडलियों में लगा के देखा है, काफ़ी लोगों की कुंडलियों में लगा के देखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सिस्टम। तो मैं इसलिए मैं आपको बताना चाहता था कि न्यूमरोलॉजी इज द बेस्ट टूल है ना, बहुत अच्छा टूल है। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि मैं ये आप 100% इसको लेके ना चलें, हम सबसे पहले देखेंगे कुंडली, फिर हम देखेंगे न्यूमरोलॉजी। तो न्यूमरोलॉजी अगर आपको आ गई तो आप एस्ट्रोलॉजी प्लस न्यूमरोलॉजी मिलाकर बहुत अच्छी प्रडिक्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो हम एक बार इसको अच्छे से समझ लेंगे, फिर हम आपको एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिस्टम है, इसमें हर नंबर का प्लेनेट है, और हर नंबर जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन वो नंबर का इन्फ्लुएंस आपके अंदर होगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा सिस्टम है, बहुत सिस्टम है, बहुत इजी है, हम इसको सीख लेंगे। और ये चीज़ अपने मन में बिल्कुल मत रखना कि हमें एस्ट्रोलॉजी नहीं आती तो हम न्यूमरोलॉजी कैसे सीखेंगे, बिल्कुल आप न्यूमरोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल साइड में रखें, न्यूमरोलॉजी एक अपने आप में एक यूनिक कंसेप्ट है, बहुत इजी कंसेप्ट है, तो बिल्कुल हम इसको सीखेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, आगे आने वाली वीडियो में हम सबसे पहले सीखेंगे हर नंबर की क्वालिटीज, ये हमारा पहला होगा। हर नंबर को अच्छे से हम क्वालिटी से समझेंगे, जब आपको हर एक एक नंबर के बारे में मालूम होगा देन इवेंट योग बड़ा सिंपल है, ये मुश्किल से आप ये 5 मिनट में आप सीख जाएंगे, और ये भी 5 मिनट में सीख जाएंगे, कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है। लेकिन सबसे पहले हमें इसको हर नंबर को इंडिविजुअली सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए मैं बस इतना ही आपको बताना चाहता था, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, और अगर आप सीखना चाहते हैं और आप सीखने के लिए डाउट पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हेजिटेट फ्री होकर मेरे को आप कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं।
अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं उसके लिए अलग फी लगेगा, लेकिन आप एज ए लर्नर सीखना चाहते हैं तो आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।